और दोस्तों कैसे आप लोग, क्या हाल चाल है। अगर आप नए तो सब्सक्राइब कर लें, पुराने हैं तो शेयर कर दें। तो आज हम बात करने जा रहे हैं आधार कार्ड डाउनलोड करने के बारे में, लेकिन इसमें ख़ास बात यह है कि अगर आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड में नहीं जुड़ा हुआ है तब आप जो है आधार कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं, तो देख लेते हैं इसकी प्रक्रिया क्या है। अगर आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड में लिंक नहीं है, नहीं जुड़ा हुआ है, तो कैसे आपको आधार कार्ड डाउनलोड करना है तो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पूछ रहा है आधार नंबर, तो यहाँ आप लोगों को अपना 12 डिजिट 12 अंकों का आधार नंबर डाल देना है, ठीक है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपका सिक्योरिटी कोड पूछ रहा है, सिक्योरिटी कोड कहाँ पर है, ये दिया हुआ है कोड। हर बार जब आप डाउनलोड करने जाएंगे तो एक नया सिक्योरिटी कोड आएगा, तो इस सिक्योरिटी कोड को आपको यहाँ पे फिल करना होगा, ठीक है। जैसे अभी सिक्योरिटी कोड दिया हुआ है 9JF6H, तो ये आपको यहाँ पे भरना होगा। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है क्या, माई मोबाइल नंबर इज नॉट रजिस्टर्ड, यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको इसमें टिक लगा देना है, तो यहाँ पे हम टिक लगा देते हैं। तो यहाँ पर एक नया ऑप्शन आ गया है, नया ऑप्शन है मेंशन नॉन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, मेंशन नॉन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जिसमें आपको ओटीपी मंगवाना है, तो वो मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको फिल कर देना है। तो वो मोबाइल नंबर जब आप यहाँ पे डाल देंगे तो उस मोबाइल नंबर पर जो है एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को उठा के आपको जो है यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। फिल करने के बाद सबमिट कर देंगे, तो सबमिट करने के बाद जो है आपके पास रिसीट आ जाएगी, रसीद आ जाएगी। उसके बाद आपका जो है आधार कार्ड डाक द्वारा, पोस्टल विभाग द्वारा आपके घर में आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।